बाकी ACS जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ें तो आप समझ लीजिए कि पहले से ही हम लोग इस चीज़ को जो है देखते रहे हैं और ये टूटा है, और क्योंकि शक था ही जब पेयर नंबर 5 में जब ये बात आई थी, समय तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है IIT रुड़की को दिया था, लेकिन रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाया उस आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया, उसके जितने सेगमेंट थे 50 के लगभग सबको हम लोगों ने कार्रवाई भी लगता है एकदम हो रहा है। क्या नए सिरे से पुल का निर्माण विभाग द्वारा बता दिया जाएगा जी, नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा? एकदम पुल का निर्माण कराना ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और लगातार 12 से जो है उनकी सोच रही थी, 14 से ये काम जो है सिलसिला चला है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम बाउंडिंग के अंदर जो है इसको काम। एक सवाल उठ रहा है राशि का कि राशि जो खर्च हुआ है उसको हम लोग रिटेन करेंगे। हमने पहले भी जो पहला जो पेयर नंबर 5 का जो इतने सेगमेंट हम लोगों ने तोड़े थे उसको हम लोगों ने सरकार पर आने नहीं दिया, संवेदक पर ही आने दिया। तो ये चीज़ें होंगी, जो भी राशि जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा। ब्लैकलिस्ट करने के भी वो सारी कार्रवाई की जा रही है, नोटिस जो है इशू किया जा रहा है कि कारण बताएं, और जो जो एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत जो भी क्लॉजेज होती है उसके तहत कार्रवाई की जाए। बीजेपी कह रही है कि अब कौन क्या कहता है नहीं कहता है इस पर तो हमको कुछ कहना है नहीं, समझे। जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं नहीं हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, IIT रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है, और CBI वाले इंजीनियर तो है नहीं। पहले हम लोगों ने मिनट टू मिनट जो हम लोगों ने दिखाया था, जो समीक्षा नवंबर और दिसंबर में हुई थी, जो फाइल उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो साफ निर्देश दिया गया था